ठीक है, देखिए हमने आपको बताया डोवर नियर का त्रिक सिद्धांत, ठीक समझ में आ गया सबको। अब देखिए आगे न्यूलैंड आते हैं ना, तो न्यूलैंड ने बताया कि तत्वों के गुणों में कैसे परिवर्तन होता है, जब हम उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखते हैं तो एक पहला जो तत्व है वो आठवें तत्व से गुणों में समानता रखता है ना, जो पहला तत्व है हमारा वो आठवें गुणों से समानता रखता है। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट है और ये आपका आठवां तत्व है, ठीक। जब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में हम तत्वों को व्यवस्थित करते हैं तो आठ आठ तत्वों का ऐसा समूह उन्होंने बनाया जो पहले और आठवें के क्या हुआ गुणों में समानता रखता था ना, इसीलिए हम क्या कहे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं ना। अष्टक नियम के अनुसार क्या कह सकते हैं कि जब हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद पहले और आठवें तत्व में गुणों में समानता पाई जाती है, इसी को अष्टक नियम कहते हैं ना। अष्टक नियम में कौन कौन से तत्व रखे गए थे बताइए? जैसे मैंने हम कहा लिथियम, ठीक है, लिथियम से हम आवर्त में चल रहे हैं, आवर्त में, ठीक है ना, आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इसके बाद क्या आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ना, फ्लोरीन और आपका मान लीजिए कैल्शियम है, ठीक, ऐसे कैल्शियम फिर आ गया नीचे, कैल्शियम नीचे आ जाता है, ये दूसरे में है, ठीक है ना। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सात तत्व हो गए, अरे पोटेशियम ना। आप देखिए फिर अगले तत्व में हमने रखा तो क्या आया, पोटेशियम के बाद आपका क्या आता है बताएं, सोडियम, मैग्नीशियम ना, फिर एल्युमिनियम, क्या आएगा एल्युमिनियम, आगे बताइए सिलिकॉन, फास्फोरस ना, फिर फास्फोरस के बाद सल्फर, क्लोरीन और कैल्शियम ना, क्लोरीन के बाद कैल्शियम। ऐसे जब हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं तो इन्होंने क्या कहा कि पहले और आठवें तत्व में समानता पाई जाती है। जैसे मैंने कह दिया यहाँ से लिथियम से स्टार्ट किया, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ना, इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और कैल्शियम। तो अब बढ़ते हुए क्रम में देखिए पहले से आठवां, यहाँ फर्स्ट है लिथियम तो आठवां कौन सा है आपका बताइए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठवां तत्व तो क्या मिल रहा है पोटेशियम मिल रहा है ना, कौन सा मिल रहा है पोटेशियम। आठवें तत्व के बाद इन्होंने क्या कहा गुणों में समानता आती है ना, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और कैल्शियम। अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, लिथियम के बाद आठवां तत्व ना, प्रत्येक आठ तत्व पे गुणों में समानता पाई जाती है, इसीलिए इन्होंने क्या कहा न्यूलैंड का अष्टक नियम इसको हम कहते हैं, पहले और आठवें तत्व में समानता पाई जाती है। क्लियर है, आ रहा समझ में? अब देखिए ये हम विस्तृत चर्चा और आपसे आगे करेंगे। जब अक्रिय गैस की खोज हो गई तो आप देखेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हो जाता है, ठीक है ना। जो लिथियम से हमने स्टार्ट किया और आगे आपका क्लोरीन आता है, क्या था फ्लोरीन ना, फ्लोरीन आया, लेकिन अगला आठवां तत्व कौन आना चाहिए अक्रिय गैस ना। अक्रिय गैस की जब खोज हुई तो आप देखते हैं कि यह सिद्धांत तो फेल हो जाता है, क्योंकि अक्रिय गैसों का गुण जो है वो इन तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न है ना, आठवां तत्व फेल हो गया।
आगे केवल ये ध्यान रखिएगा, तीसरे से आपका लिथियम कहाँ से है, तीसरे से ना। देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम, कैल्शियम ना। ये तत्व आपके बढ़ते क्रम में रखे गए और जो आपके न्यूलैंड थे उन्होंने केवल लिथियम से कैल्शियम तक के तत्वों का वर्गीकरण ही किया था, इसके आगे उन्होंने वर्गीकरण नहीं किया। वह यह नहीं बता पाए कि अब आगे कैसे गुणों में परिवर्तन होगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं यह उनके सिद्धांत की कमियां भी हैं ना। क्या कह सकते हैं कि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल परमाणु क्रमांक 20 कैल्शियम तक के तत्वों पर ही लागू होता है, आगे के तत्वों पर लागू नहीं होता है ना, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि अक्रिय गैसों की खोज के बाद भी इसके गुणों में समानता नहीं पाई गई। अब आगे चलते हैं हम, आपने देखा डोवर्नियर आए, न्यूलैंड आए, अब आगे जो सबसे लास्ट में वर्गीकरण मिलता है वो आपको मेंडेलीफ का मिलता है ना। मेंडेलीफ ने क्या किया 1869, अभी आपको मैंने बताया 1869, 1869 ये मेंडेलीफ की मूल आवर्त सारणी है। 1869 में मेंडेलीफ ने क्या किया था, उस समय के ज्ञात, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे, अष्टक नियम के अपवाद भी हैं वो विस्तृत आगे हम पढ़ाएंगे। समान जानकारी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है ना। देखिए 1869 में डीआई मेंडेलीफ आते हैं, ये क्या करते हैं, उस समय केवल 57 तत्वों की खोज हुई होती है, क्या होती है, 57 तत्वों की खोज होती है। कब? 1869 में 57 तत्व ही ज्ञात थे। इन तत्वों को मेंडेलीफ ने क्या किया, अध्ययन किया, ठीक है, 57 तत्वों पर अपने प्रयोग किए और क्या पाया कि जब हम इनको एक क्रमबद्ध रूप से श्रृंखलित सारणीबद्ध करते हैं तो इनके गुणों में क्या होता है, कुछ समानताएं पाई जाती हैं ना। मतलब क्या है, कुछ ऐसे तत्व हैं जो किसी दूसरे तत्व से गुण से मेल खाते हैं ना। इन्होंने क्या कहा, 57 तत्वों को जब हमने सारणीबद्ध किया तो कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके गुण आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, समानता रखते हैं, समानता रखते हैं ना, क्रमबद्ध रूप से, क्रमिक रूप से गुणों में समानता पाई जाती है। तो मेंडेलीफ ने इसको क्या कहा, आवर्तिता नाम दिया, गुणों में ऐसी व्यवस्था को आवर्तिता नाम दिया, पेरियोडिसिटी ना। इन्होंने, मेंडेलीफ ने इसी समानता का क्या नाम दिया, आवर्तिता। उन्होंने कहा कि तत्वों के गुणों में एक निश्चित अंतराल के बाद आवर्तिता पाई जाती है ना, पेरियोडिसिटी पाई जाती है, समझ में आया। आगे जब उन्होंने देखा कि आवर्तिता पाई जाती है तत्वों में, तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि तत्वों को जो रखा गया है उसका मूल जो लक्षण है तत्व का, वह परमाणु भार होता है। मेंडेलीफ ने यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला कि इस आवर्तिता के कारण जो हमारे ये 57 तत्व थे ना, 57 तत्व थे, इनका मूल लक्षण क्या है, परमाणु भार है। क्या है मूल लक्षण जो तत्व का है, वो परमाणु भार है। ध्यान दीजिएगा मित्र, पूछ सकता है मूल लक्षण तत्व का क्या है, परमाणु भार है, ठीक है ना, परमाणु भार। इन्होंने क्या कहा कि जब हम तत्वों को परमाणु भार के गुणों में अध्ययन करते हैं या तत्वों के परमाणु भार के गुणों का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि तत्वों का मूल लक्षण ही क्या होता है, परमाणु भार होता है। क्लियर है? इससे क्या निष्कर्ष और वह सोचा, उन्होंने सोचा कि ऐसा करने से, परमाणु भार की व्यवस्था को लागू करने से तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार माना गया, इस कथन का क्या निष्कर्ष निकलता है? उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार होने से उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं। क्लियर है? आ रहा समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? अब देखिए, परमाणु भार की संकल्पना उन्होंने प्रस्तुत कर दिया ना? क्या कहा? मूल लक्षण परमाणु भार है, तत्व का मूल लक्षण ही परमाणु भार होता है। इसी आधार पर उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कहते हैं मेंडेलीव का मूल आवर्त नियम। क्या कहते हैं? मेंडेलीव का मूल आवर्त नियम। और वह क्या है? किसी तत्व का जो मूल आवर्त नियम के अनुसार क्या है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती का मतलब क्या है? क्रमबद्ध ना, आवर्तिता। ये जो अभी हमने आपको बताया कि उन्होंने देखा क्रमबद्ध रूप से निश्चित अंतराल के बाद गुणों में समानताएं पाई जाती है, इसी को मेंडेलीव ने आवर्तिता कहा। और इसी आधार पर क्या बताया कि तत्व का मूल लक्षण क्या है? परमाणु भार है ना। अब देखिए, परमाणु भार जब आ गया संकल्पना, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते हुए चलिएगा। परमाणु भार के आवर्ती फलन है या होते हैं, कौन होते हैं? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो हम कह सकते हैं मेंडेलीव के मूल आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्लियर है? इसको राइट कर लीजिएगा आप। ठीक है, आ गया आपको समझ में? कोई दिक्कत? अब देखिए, जब आवर्त नियम की संकल्पना आ गई, उसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मेंडेलीव ने आवर्त नियम प्रतिपादित किया, इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। क्रम जब आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है और कैसे गुण में इन्होंने डिफाइन किया? ठीक है, देखिए, अब हम समझ गए कि आवर्ती फलन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यह संकल्पना कब प्रस्तुत की? 1869 में। किस पर? ज्ञात 57 तत्वों पर ना। और आगे हम बढ़ते हैं। अभी आपने मेंडेलीव का समय पढ़ा, 1869 to 1871 पढ़ा ना। अब आगे हम चलते हैं। जब और हम बढ़ते हुए आगे चलते हैं तो आपका 1871 में मेंडेलीव क्या करते हैं, उस समय लगभग ज्ञात 58 तत्वों में, ध्यान दीजिएगा मित्र, पूछ सकता है, 58 तत्वों की खोज हो चुकी थी। कब? 1871 में 58 तत्वों की खोज हुई। और इसको उन्होंने क्या कहा? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। किस में? हाँ, तो कह सकते हैं मेंडेलीव ने सन 1871 में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया ना, एक सारणीबद्ध किया, और उससे प्राप्त हुई जो सारणी है उसी को मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, यहीं से मूल आवर्त सारणी की शुरुआत होती है। अभी तक तो हमने जो आपको बताया वह तत्वों के गुणों में कैसे परिवर्तन था, यह उसका संक्षिप्त इतिहास था ना। यहाँ तक आने के लिए कौन कौन से आए? सबसे पहले आपके कौन आए? प्राउट ना, 1815। उसके बाद लोथर मेयर आए 1827 ना। इसी तरह ड्यूमा आए, फिर न्यूलैंड आए ना, न्यूलैंड के बाद आपका मेंडेलीव आ गए।
यहीं से आपके मूल आवर्त सारणी की शुरुआत हो गई, ठीक है। मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी है। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत आवर्त सारणी के बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे। यहीं से शुरुआत हुई है ना। आपसे प्रश्न पूछता है आवर्त सारणी के खोज करता है मेंडेलीव ना, क्योंकि इन्होंने क्या किया, उन तत्वों का एक सारणीबद्ध क्रमिक अध्ययन कर दिया, तत्वों को इस सारणी के रूप में व्यवस्थित कर दिया, और इसी सारणी से जो प्राप्त सीरीज हुई हमारी, उसी को हम आवर्त सारणी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मित्र, मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी 1871 में आई, कितने तत्वों की खोज पर, 58 तत्वों की खोज पर ना। ये आपका मूल आवर्त सारणी का डायग्राम बना हुआ है। देखिए मूल आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या है, सबसे पहले परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा गया। इन्होंने आवर्त सारणी को, जो मूल आवर्त सारणी है इनकी पहली बनाया था, उसमें 12 क्षैतिज पंक्तियां तथा 8 ऊर्ध्वाधर कालम ना, 12 क्षैतिज पंक्तियां हॉरिजॉन्टल लाइन, 12 क्षैतिज पंक्तियां और 8 ऊर्ध्वाधर, 8 ऊर्ध्वाधर कालम बनाए ना, 12 36 पंक्तियां और 8 ऊर्ध्वाधर कालम बनाए। ये आप देखिए आपके सामने है, ये आपकी 36 पंक्तियां हैं, देखिए 12 36 पंक्तियां रखी गई हैं ना। इन्हीं 36 पंक्तियों को उन्होंने क्या नाम दिया, सीरीज नाम दिया, क्या नाम दिया, सीरीज कहा या श्रेणियां कहा, क्या कहा, 12 36 पंक्तियों को श्रेणियां कहा ना, श्रेणियां कहा। और जो ऊर्ध्वाधर कालम है आपके, कितने हैं, 8 समूह, 8 कालम थे, ऊर्ध्वाधर कालम को उन्होंने समूह का नाम दिया, क्या कहा, समूह का नाम दिया, समझ में आ रहा ना, ग्रुप, क्या कहा, ग्रुप, समूह का नाम दिया, क्लियर है। तो सबसे पहले आपसे पूछता है मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी तत्वों के कौन से गुणों पर आधारित है, आप बताएंगे परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। मूल आवर्त सारणी की विशेषता क्या है, आपसे पूछा जा सकता है मेंडेलीव ने मूल आवर्त सारणी में कितनी श्रेणियां बनाई हैं, 12 36 पंक्तियां हैं, अथवा पूछ सकता है 36 पंक्तियों को क्या नाम दिया, सीरीज नाम दिया, श्रेणियां कहा, 8 आपके कॉलम थे ना, इनको उन्होंने समूह नाम दिया, ग्रुप दिया ना। ये आपके सामने है पहला, इधर जो आपकी पंक्तियां हैं ये वाली, इनका क्या नाम दिया, श्रेणी नाम दिया, देखिए 12 श्रेणियां हैं ये, है ना। और ये ऊपर से नीचे ये जो कॉलम बने हैं इनको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, और ये आपकी सीरीज हैं, आ रहा समझ में, क्लियर है। और हम बात करते हैं अब क्या कहा, बताइए, ऐसा उन्होंने व्यवस्थित कर दिया ना, लेकिन कुछ जगह उन्होंने अपने मूल आवर्त सारणी में स्थान भी खाली छोड़ दिया ना, क्या कर दिया, स्थान भी खाली छोड़ दिया, कौन, मेंडेलीव ने मूल आवर्त सारणी में। देखिए आप यहाँ कैल्शियम 40 है, टाइटेनियम 48 है ना, देखिए पहला आपका रिक्त स्थान यहाँ देखते हैं हम, कैल्शियम 40 और टाइटेनियम 48 किस आवर्त में छोड़ा है रिक्त स्थान, वो आपका थर्ड ग्रुप है ना, तीसरे समूह में रिक्त स्थान छोड़ा गया, और कौन सा आपका सीरीज है, चौथी श्रेणी है, श्रेणी कौन सी है, चौथी, और समूह कौन सा है, तीसरा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, खाली स्थान छोड़ दिया ना, खाली स्थान क्यों छोड़ा होगा, कोई अन्य तत्व की खोज हो ताकि बाद में उसको व्यवस्थित किया जाए ना,
रिक्त स्थान पर नए तत्व को व्यवस्थित किया जाए। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा मित्र, चूंकि इनकी आवर्त सारणी किस क्रम में रखी गई है बताइए, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। ये जो आपकी आगे संख्या लिखी है तत्वों के आगे, ये संख्या लिखी गई है, ये क्या दर्शाता है? तत्व का परमाणु भार दर्शाता है। क्या दर्शाता है? परमाणु भार दर्शाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक तो आपका चलता जा रहा है। पहले सीरीज में इन्होंने कितना तत्व रखा? केवल एक हाइड्रोजन है ना। और दूसरे सीरीज में देखिए चलता जा रहा है आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और इधर देखिए फिर रिक्त स्थान छोड़ दिया गया ना। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि कोई ऐसा तत्व रहा होगा जो इस स्थान के योग्य नहीं होगा ना, उस तत्व को इस वर्ग में या इस समूह में नहीं रखा जाना संभव हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम और टाइटेनियम के बीच रिक्त स्थान छोड़ा गया है ना। देखिए 40 इसका परमाणु भार है, इसका 48 है। तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि देखिए बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, बढ़ते हुए क्रम में रखना चाहिए। तो भाई आप सामान्य तौर से जान सकते हैं 40 के बाद 48 आता है, आता है कि नहीं आता? तो परमाणु भार का तो बढ़ा हुआ क्रम है, फिर भी मेंडेलीफ ने यहाँ स्थान क्यों छोड़ दिया? क्योंकि व्यवस्थित इन्होंने बढ़ते हुए क्रम में किया ना, 40 के बाद ही 48 आ रहा है। तो टाइटेनियम को कहाँ रखना चाहिए? इनके आवर्त नियम के अनुसार टाइटेनियम 48 को किस ग्रुप में रखना चाहिए? थर्ड ग्रुप में, लेकिन इन्होंने कहाँ रख दिया? फोर्थ ग्रुप में। ऐसा क्यों कर दिया? इन्होंने इसलिए ऐसा कर दिया क्योंकि जो हमारा कैल्शियम है ये किस ग्रुप का है? सेकंड ग्रुप का है ना, तो अगले वाले तत्व में समानता होनी चाहिए। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखने का मतलब क्या है? कि गुणों में समानता है, भौतिक एवं रासायनिक गुण कुछ मेल खाते हैं ना। तो इन्होंने क्या कहा कि 48 बढ़ते हुए क्रम में तो है, आवर्त नियम के अनुसार रखना चाहिए इसको, लेकिन मेंडेलीफ ने बताया कि जो टाइटेनियम है इसके गुणों में समानता और कैल्शियम के गुणों में समानता नहीं पाई जाती है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि कैल्शियम और टाइटेनियम का जो गुणों में समानता है वो नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती ना। मतलब कहने का मतलब है इनके गुण एक दूसरे से मैच नहीं खाते, इसलिए यह एक ही आवर्त सीरीज में तो रखे गए हैं, कॉलम वर्ग में अगले तत्व के रूप में नहीं रखा गया और यही रिक्त स्थान छोड़ दिया गया। क्लियर है? इतना समझ में आया आपको? अब देखिए ये आपकी मूल आवर्त सारणी है मेंडेलीफ की ना। यहाँ से आप प्रश्न कैसे बन सकता है पूछेगा, मेंडेलीफ की मूल आवर्त सारणी में कितने कॉलम हैं बताइए? 8 कॉलम हैं ना, या कितने समूह हैं? कितने श्रेणियों में विभक्त किया? यही को दूसरे हिसाब से पूछ सकते हैं, मेंडेलीफ ने अपने मूल आवर्त सारणी में कितनी 36 पंक्तियों को व्यवस्थित किया? 12 36 पंक्तियां ना, और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां कितनी हैं? 8 हैं। क्लियर है? इतना ये मूल आवर्त सारणी आती है। अब देखिए इसका यूज क्या रहा? इन्होंने बता तो दिया कि ऐसे ऐसे करना है ना, गुणों में ऐसे ऐसे तत्वों में परिवर्तन होता है, लेकिन यह हमारे जीवन में या हमारे आने वाले रसायन विज्ञान की शाखाओं में इसका क्या यूज है ना? मेंडेलीफ ने जो ये नियम दिया इसका महत्व तो क्या है? क्लियर है? तो अब हम यूज की ओर चलते हैं। समझ में आया ये? देखिए सबसे पहला उपयोग, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे परीक्षाओं में, सबसे पहला है आपका मान लीजिए जब हम इसको क्या करते हैं अध्ययन किया आवर्त सारणी का, तो इसका यूज उपयोग आपको जानना चाहिए क्या उपयोग है।
न पूछ सकता है निम्नलिखित में से मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी का क्या उपयोग है? बता सकते हैं आप लोग, बताइए क्या उपयोग है इसका? हाँ, परमाणु भार ज्ञात हो जाएंगे। चलिए देखिए, जो मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी है उसका सबसे पहला उपयोग क्या हमें निष्कर्ष के रूप में मिला कि तत्वों के गुणों में अध्ययन की सुविधा हो गई। तत्वों के गुणों का अध्ययन हम सही तरीके से कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप बना के लिखिएगा, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सरलता, तत्वों के गुणों का अध्ययन करना आसान हो गया। ठीक है, कैसे आसान हो गया? आप ये ध्यान दीजिएगा, जैसे इन्होंने कहा कि ये पांचवें समूह में ये तत्व रखे गए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, वेनेडियम, आर्सेनिक, ना ऐसे तत्वों को व्यवस्थित किया, तो इन्होंने कहा कि पूरे समूह के सदस्यों के गुणों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना उस समूह का या उस सीरीज का केवल एक तत्व के गुणों का अध्ययन आप कर लीजिए, लगभग सारे गुणों में समानताएं हैं, सभी तत्वों के गुणों में भी वह समानता पाई जाएगी। क्लियर है? इसलिए हमें आसानी हो गई। अब हमें पूरे तत्वों के गुणों का अध्ययन ना करना है बल्कि केवल एक ही वर्ग या समूह के गुणों का अध्ययन कर लेना है। क्लियर है? दूसरा क्या हुआ, सही परमाणु भार ज्ञात किया जा सकता है। लिख लीजिएगा, दूसरा, सही परमाणु भार ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सही परमाणु भार ज्ञात किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट क्या आएगा आपका, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायता मिली, ना? समझ में आ रहा है ना? एक पॉइंट इन्होंने डिस्कशन किया था कि सही परमाणु भार कैसे ज्ञात किया। ठीक, जब मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी नहीं आई थी 1871 में, उससे पहले जो आप ये बेरिलियम देख रहे हैं, बेरिलियम ना, इसका परमाणु भार माना गया था 13.5। क्या माना गया था? 13.5। कब? 1869, 1869 के आसपास। 1871 में मेंडेलीव ने क्या बताया कि जो बेरिलियम है इसका परमाणु भार 13.5 ना होकर परमाणु भार इसका 9.4 होता है। और आगे चलकर जो खोज हुई तो लगभग इसका जो सही डिसीजन था, जो इन्होंने बताया कि बेरिलियम का परमाणु भार 9.4 है, ये सही पाया गया। क्या हुआ? सही पाया गया। क्लियर है? तो हमने बताया कि परमाणु भारों की सही जानकारी प्राप्त हुई किससे? मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी से। इसके बाद आपका नए तत्वों की खोज में है, तो ध्यान दीजिएगा कौन से नए तत्व खोजे गए, स्कैंडियम, गैलियम, ठीक है, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये तीन तत्वों की खोज की गई। ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न है, यही परीक्षाओं में आपसे बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? सब कुछ समझ में आया? तो आज के लिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। आगे हम आने वाले दिनों में इसके आगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।